जो लाभ हुआ वहाँ पे पिछले दिनों ये ललित करके अपना इन्होंने अभी रोका तो ललित को क्या किया, अभी होम सिंह ने काला पकड़ी और एक लफाड़ा मारा पटक दिया, उसके बाद में पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। इन लोग बहुत दिनों से आते थे, जो ये लोग एमपीपी की जमीन में बसे हैं, वहीं बीच में सर एक नाली निकली, फिर वहाँ से मेरे पास खबर आई। कौन गया है? ये होम सिंह और एक वो दादू। तो मेरा निवेदन ये सर कि अपन अगर अभी अपनी जगह को भी बचाएंगे तो आप एक एप्लीकेशन मैं कौन सी जगह कौन सी है? मैं आ रहा हूँ सर, साईनगर परेशान करते आए दिन सर। महिलाएं घर में रहती हैं, सबको ये काम पे चल जाते तो उनको उल्टा सीधा गाली बकते हैं और नंगी बुद्धि बोलते हैं। आज यहाँ पे बड़ी विडंबना है कि पुलिस विभाग को जो 70 एकड़ जमीन नीचे कर लो अलाट हुई है, उस जमीन के ऊपर वहाँ कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। जो लोग कब्जा कर रहे हैं वही वहाँ पर जो पहले से रह रहे गरीब उनके साथ मारपीट करते हैं और पुलिस में कंप्लेंट झूठी लिखवाते हैं और फिर पुलिस की ही ज़मीन में कब्जा करने वालों की ही पुलिस सुनती है। उसके कारण अभी हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं कि आपकी ज़मीन में जो कब्जा कर रहे हैं उन्हीं की आप रिपोर्ट पे गरीबों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाइयों पे निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनका अतिक्रमण भी अलग होना चाहिए। लगभग अभी कैसे कितने प्लाट अभी पुलिस की ज़मीन पे लगभग 30 लोगों ने अतिक्रमण कर चुके हैं और वो अतिक्रमण करके रह नहीं रहे, वो गरीबों के साथ में छलावा कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, किसी को 70,000 में किसी को 90,000 में ऐसे बेच रहे हैं और वो सारे 3-4 लोग हैं, वो 3-4 लोग मिल करके वो पैसे बाँट करके और मजे कर रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। झूठे प्रकरण की बात आई कि झूठे प्रकरण लगवाने की, ये इन्होंने अभी हम लोग जब समझाने गए कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं तो उन्होंने अजाक थाने में जाकर के कि मावर जी और मावर जी के साथ में कुछ लोग आते हैं दारू पी करके और यहाँ मारपीट करते हैं और उनकी सीधे मतलब झूठी कंप्लेंट करी अपने ठाड़ेश्वर महावर।